हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए थ्योरी ऑफ मशीन में गवर्नर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये टॉपिक हमारे यूनिट 5 के अंदर आता है। यूनिट 5 में दो टॉपिक पढ़ना था, फ्लाईव्हील और गवर्नर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम गवर्नर के डेफिनेशन, उसके फंक्शन, उसके प्रिंसिपल के बारे में बताए थे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी इन गवर्नर, कि गवर्नर में कौन कौन सा टर्म यूज्ड होता है। तो बड़ा ध्यान से आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी पर पूरा बेस्ड आपका आगे का थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है टर्म यूज्ड इन अ गवर्नर। आप एक गवर्नर को देख रहे होंगे जिसका एक छोटा सा सेक्शन गवर्नर का ले लिए। तो गवर्नर का ये जो लिंक है, जिसको हम लोग वहां पर आप देख रहे होंगे, ए बी पोर्शन एक लिंक है, और उस लिंक को हम आर्म कहते हैं। उसी तरह फिगर में देख रहे होंगे बीसी पोर्शन, ठीक है। तो बीसी पोर्शन भी आपका एक लिंक है। ऊपर वाले लिंक को हम लोग आर्म कहते हैं और नीचे वाले लिंक को हम लोग लिंक ही कहते हैं, ठीक है। फिर एक ब्लू कलर का आपको दिख रहा है जिसको हम लोग गवर्नर बॉल कहते हैं। ओके, और ये वर्टिकल सेक्शन है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेंडल कहते हैं। स्पेंडल क्या होता है? तो स्पेंडल एक सर्कुलर मेंबर होता है जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, याद रखना, ठीक है। और उसका जो लेंथ होता है, उसका जो डायमेंशन होता है, वह छोटा होता है, तो उसको हम लोग स्पेंडल कहते हैं। तो ये स्पेंडल अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, तो यहां से हम लोग एक्सिस एक ड्रॉ कर दिए, और स्पेंडल के अंदर स्लीव लगा हुआ रहता है, और स्लीव जो है स्पेंडल पर रेसिप्रोकेट करते रहता है, आगे पीछे करते रहता है। क्लियर हो रहा होगा? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म आ रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ गवर्नर। हाइट ऑफ गवर्नर को हम लोग यहाँ पर स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ गवर्नर कहने का मतलब होता है कि गवर्नर के बॉल का सेंटर ले लेना, और जहां दो आर्म एक दूसरे से इंटरसेप्ट कर रहा है, कहां इंटरसेप्ट कर रहा है, तो स्पेंडल के एक्सिस पर कर रहा है। स्पेंडल के एक्सिस पर जहां पर दो आर्म इंटरसेप्ट कर रहा है, उस पॉइंट को ले लेना है, और गवर्नर बॉल के सेंटर को भी ले लेना है। तो हाइट ऑफ गवर्नर क्या डिफिनेशन बोलेंगे, कि हाइट ऑफ गवर्नर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द गवर्नर बॉल टू द पॉइंट वेयर द आर्म इंटरसेक्ट ऑन द स्पेंडल एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब है कि जहां पर आर्म का एक्सिस इंटरसेक्ट करता है और जो गवर्नर बॉल का सेंटर है, तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये गवर्नर के बॉल के सेंटर से ये दोनों आर्म इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ गवर्नर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, रेडियस ऑफ रोटेशन। तो रेडियस ऑफ रोटेशन को आर कहते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ रोटेशन का मतलब हो गया कि इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द स्पेंडल, या हम कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ द गवर्नर बॉल। रिपीट कर रहा हूं, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द गवर्नर बॉल एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए, यहां से यहां, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये बॉल के सेंटर से एक्सिस का जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ रोटेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बड़ा ही फैमिलियर वर्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बचपन से ही पढ़ते हैं। ऐसा फोर्स जो सेंटर से बाहर लगे, ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो याद होगा आपको, जब हम लोग गवर्नर के पहले लेक्चर में बता रहे थे, तो आपको बताया था कि गवर्नर जो है वो क्या करता है, मीन स्पीड को मेंटेन करता है, इंजन के मीन स्पीड को मेंटेन करता है। कब करता है? जब लोड फ्लक्चुएट करता है। अगर इंजन पर लोड बढ़ेगा घटेगा, तो वो क्या करता है, फ्यूल के सप्लाई को बढ़ा घटा देता है, जिससे उसके मीन स्पीड को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो अगर ये बॉल घूमेगा, तो एक फोर्स हमेशा बाहर की ओर लगता है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो आप पढ़े थे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग एफ सी कहते हैं, और ये होता है एमवी स्क्वायर बाई आर, है ना। और आप पढ़े थे कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आप इसको यहां पर पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। यहां से आर आर कट गया, क्या हो गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हो गया,
तो आपको डिफिनेशन याद रखना है, द फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हो गए? नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोलिंग फोर्स। नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल करने वाला फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता हो, जो काउंटर बैलेंस करता हो। अगर कोई फोर्स बाहर की ओर लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए जो फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सॉरी कंट्रोलिंग फोर्स। तो क्या डिफिनेशन बोलेंगे? द फोर्स विच बैलेंस द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फोर्स। यहां पर कंट्रोलिंग फोर्स एक तरह का हम कह सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, अंदर की ओर फोर्स लगता है। ठीक है, अब ये बताएंगे कि कैसे ये लग रहा है। ओके, तो चलिए यहां से कंट्रोलिंग फोर्स कितने के बराबर होगा? तो जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा उतना ही क्या लगना चाहिए? कंट्रोलिंग फोर्स। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पर बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्पीड क्या होता है इसको ध्यान से समझेंगे। द स्पीड एट विच गवर्नर बॉल, आप बॉल देख रहे हैं, आर्म, ऊपर वाले लिंक को आर्म कहते हैं, स्लीव, इस पार्ट को हम लोग स्लीव कहते हैं, आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। कंप्लीट इक्विलिब्रियम कहने का मतलब होता है कि इस पूरे मेंबर पर जितना भी फोर्स लग रहा है वो सारा फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए। इसका मतलब जितना भी फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, जितना भी फोर्स वर्टिकल में लग रहा है, किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर वो टर्न कर रहा है, तो हर एक फोर्स, हर एक मूवमेंट क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रहा है, द स्पीड एट विच गवर्नर बॉल आर्म स्लीव आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम बैलेंस है एंड देर इज नो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्लीव। और स्लीव ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर गवर्नर घूम रहा है। इसका मतलब एक कॉन्स्टेंट लोड लग रहा है और उस कॉन्स्टेंट लोड पर गवर्नर आराम से अपना काम कर रहा है। ठीक है, ऑन द स्पिंडल। तो पूरा डेफिनेशन आप समझ में आ रहा होगा, द स्पीड एट विच गवर्नर बॉल आर्म स्लीव या और भी कोई पार्ट्स होता आर इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम एंड देर इज नो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्लीव ऑन द स्पेंडल। स्पेंडल में ना तो स्लीव ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो ऐसे स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्पीड कहेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। ठीक है, आपको याद होगा कि कोई भी अगर वाइब्रेटिंग बॉडी होता है तो वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे पीछे करता है, ये तो ये पॉइंट को मीन पॉइंट कहते हैं। इस मीन पॉइंट से ये इतना ऊपर जा सकता है, इधर ये इतना ऊपर जा सकता है। तो यहां भी क्या कर रहा है, मीन इक्विलिब्रियम स्पीड का मतलब होता है कि इट इज द स्पीड एट द मीन पोजिशन ऑफ द बॉल और द स्लीव। ठीक है, क्या कह रहा है कि मीन इक्विलिब्रियम स्पीड कहने का मतलब है कि इट इज द स्पीड एट द मीन पोजीशन ऑफ द बॉल्स और द स्लीव। कि मीन पोजीशन पर, जैसे ये मीन पोजीशन पर रखे, मान लीजिए ये स्लीव है और ये स्लीव का मीन पोजीशन है, ये मीन पोजीशन। अब ये स्लीव ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही नीचे जा रहा है। ठीक है, और अगर ऊपर नीचे भी जा रहा है तो इसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या हो गया? इसका मीन पोजीशन हो गया। और इस मीन पोजीशन पर अगर किसी गवर्नर का स्पीड निकाला जाए दैट इज कॉल्ड मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। क्लियर हो रहा है? लास्ट आ जाते हैं स्लीव लिफ्ट। स्लीव लिफ्ट कहने का मतलब होता है कि ये मीन पोजीशन से स्लीव कितना ऊपर गया या इस मीन पोजीशन से स्लीव कितना नीचे गया, तो ये जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड स्लीव लिफ्ट। तो आई होप आपको ये पूरा टर्मिनोलॉजी समझ में आया होगा। आप बार बार इस लेक्चर को अच्छे से सुनिए और फिर एक डेफिनेशन को क्लियर कीजिएगा तो आपको ये टर्म सारा पता चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।